फिल्म की शुरुआत में हमें 1962 के अमेरिका का एक दूर दराज का गांव दिखाया जाता है और बताया जाता है कि हर साल हैलोवीन पर मक्के के खेतों से एक शैतान उठता है और आधी रात से पहले चर्च में घुसने की कोशिश करता है और उस शैतान जिसका नाम सातू जैक है उसे चर्च में घुसने से रोकना है वरना गांव पर भारी तबाही आ जाएगी। इसके बाद हम एक लड़के को मुखौटा पहने हुए सड़क पर खड़ा देखते हैं और उसके पीछे से कुछ लड़के भागते हुए निकलते हैं जो किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी वो लड़का मक्के के खेतों से कुछ आवाज सुनता है जिससे वो काफी डर जाता है और हम लड़के के पीछे सातू जैक को देखते हैं। उसके सर से आग निकलती है और हम उस लड़के की दर्द भरी चीख सुनते हैं। इसके बाद हम उस लड़के की जलती हुई लाश देखते हैं। उसके बाद कुछ लड़के सातू जैक को मक्के के खेतों में देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। सातू जैक खेतों में भागता है। सातू जैक गांव में आ जाता है जहाँ गांव के लड़के उस पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक लड़का जिम सातू जैक को बेरहमी से बैट से मारता है और सातू जैक की छाती फाड़ कर उसे खाने लगता है। बाकी लड़के भी ऐसा करते हैं और सातू जैक की छाती फाड़ कर उसे खाने लगते हैं। बाद में वो सभी जिम को ऊपर उठाकर उसकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। गांव की एक बड़ी संस्था हार्वेस्टर गिल्ड जिम को एक चेक, एक बड़ा घर और एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करते हैं और साथ ही हार्वेस्टर गिल्ड जिम को पूरी दुनिया घूमने के लिए भी फाइनेंस करती है। जिम और उसका पूरा परिवार इन सब गिफ्ट से बहुत खुश होता है। अब जिम गाँव से जाने की तैयारी करता है। जिम का छोटा भाई रिची जिम को अपने साथ ले जाने की बात करता है पर जिम उसे ये कहकर कि रिची भी छोटा है उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। जिम अपनी नई कार में बैठता है और वहाँ से निकलकर गांव के बाहर सीधी और सुनसान रोड पर दुनिया घूमने के अपने लंबे सफर पर निकल जाता है। अब एक साल बीत चुका है, हैलोवीन को 5 दिन रह गए हैं। रिची जो कि अब 18 साल का हो चुका है गांव में घूम रहा है। हम एक ब्लैक गर्ल पीच को भी देखते हैं जो दुनिया घूमने का सपना देख रही है। हम देखते हैं कि रिची पीच को काफी पसंद करता है और पीच भी रिची को पसंद करती है। एक स्कूल के अंदर एक पुलिस वाला गांव के लोंडे लपाड़ों को सातू जैक के बारे में बता रहा है। वो पुलिस वाला बताता है कि सातू जैक को अगर ना मारा जाए और वो अगर चर्च में पहुंच गया तो एक ऐसा तूफान आता है जो पूरे गांव को 10 सालों के लिए बर्बाद करके रख देता है। वो पुलिस वाला ये भी बताता है कि सातू जैक को मारने का काम गांव के इन्हीं लोंडे लपाड़ों को ही करना है। हैलोवीन से 3 दिन पहले सभी लड़कों को उनके घर में भूखा ही बंद कर दिया जाएगा और 3 दिन बाद ही हैलोवीन पर उन्हें बाहर छोड़ा जाएगा और उन्हें खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो लोग सातू जैक को मार नहीं देते और जो सातू जैक को मारेगा उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा और उसे मिलेगा बड़ा घर, एक महंगी स्पोर्ट्स कार और दुनिया घूमने का मौका। अब लड़कों में सातू जैक को मारने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इनमें से कुछ लड़के सातू जैक को मारना सही समझते हैं जबकि कुछ का कहना है कि सातू जैक असली नहीं है बल्कि पुलिस वाला ही जेल से किसी कैदी को पकड़कर लाता है, उसके सर पे कद्दू बांधकर उसे गांव में छोड़ देता है ताकि गांव के बच्चे उसका शिकार खेल सके। तभी उनमें से एक लड़का टॉमी बोलता है कि सातू जैक असली है। जब वो 9 साल का था उसने अपने घर की खिड़की से सातू जैक को देखा था। सातू जैक एक युवा लड़के पे हमला करने वाला था। मैंने उस लड़के को आवाज लाकर चेताना चाहा पर वो लड़का कुछ समझ ना सका और सातू जैक ने उसे मार दिया। ये सभी बातें हो रही थी कि फुटबॉल टीम की जैकेट पहने हुआ लड़का राइली टॉमी पर एक रेसिस्ट कमेंट कर देता है जिससे रिची और राइली में हाथापाई हो जाती है। इसके बाद रिची प्रीच से मिलता है और इधर उधर की बातें करता है। प्रीच बताती है कि वो जिम के बारे में तो सब जानती है पर उसने रिची के बारे में ज्यादा नहीं सुना। रिची इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है। रिची आगे प्रीच से पूछता है कि क्या वो डांस पार्टी में आएगी। इस पर प्रीच बोलती है कि उसके स्किन के रंग की वजह से उसे इनवाइट नहीं किया। इस पर रिची को प्रीच के लिए बुरा लगता है और वो कहता है कि एक बार वो सातू जैक को मार देगा तो उसे जरूर इनवाइट करेगा। ऐसा बोलकर रिची वहाँ से चला जाता है। रिची का दोस्त जेम्स रिची को एक ब्लैक गर्ल से दूर रहने को कहता है। जेम्स कहता है कि ब्लैक लोगों को दुनिया में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इसके बाद रिची और उसके दोस्त एक दुकान में जाते हैं। दुकान का ओनर रिची को बताता है कि गांव में अफवाह फैली है कि जिम सैंता क्लेरा में है और मजे ले रहा है और साथ ही वो रिची को कहता है कि रिची को अपने बड़े भाई जिम जैसा कुछ बड़ा करना चाहिए। जहाँ रिची दुकानदार को बांसों में फंसा कर रखता है वहाँ इसके दोस्त दुकान में चोरी करते हैं। दुकान से निकलकर रिची इस बात से नाराज होता है कि सब जिम की ही बातें करते हैं जैसे कि वो कोई हीरो हो। रिची को अब इन सब बातों से चिढ़ होने लगी है। इसके बाद रिची अपने दोस्त जेम्स के साथ मक्के के खेतों में जाता है। जेम्स बोलता है कि दुनिया भले ही रिची को जिम से कम समझे पर वो जानता है कि रिची जिम से तेज है और बेहतर है और उन दोनों को साथ मिलकर ही सातू जैक को मारना चाहिए ना कि अकेले ताकि दोनों में से ही कोई एक विनर बने। इसके बाद हम रिची को अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़े घर में देखते हैं। रिची की मम रिची को जिम का खत देती है। पहले तो रिची काफी खुश होता है
पर खत पर ज्यादा कुछ ना लिखा देखकर नाराज हो जाता है। रिची अपने पापा को बोलते हैं कि वो भी साउथवुड जैक के शिकार के खेल में हिस्सा लेगा। इस पर रिची के पापा बोलते हैं कि पिछले साल जिम शिकार को जीत चुका है और एक बार जीतने के बाद विजेता के घर से कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं खेल सकता, यही नियम है। और फिर हमारे पास जिम की वजह से घर, गाड़ी, पैसे सब है, अब हमें और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। इस पर रिची कहता है कि वो किसी भी नियम को नहीं मानता। ये सुनते ही रिची के पापा रिची को एक थप्पड़ मार देते हैं। इस पर रिची नाराज होकर कहता है कि वो जानता है कि वो अपने माता पिता की नजरों में नालायक है, बुरा है, और जिम अच्छा है, काबिल है, और गांव वाले भी यही मानते हैं। पर वो साउथवुड जैक को मारेगा ताकि वो सबको दिखा सके कि वो भी जिम से कम नहीं है। इस पर रिची के पापा रिची से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे, पर रिची गुस्से में घर से निकल जाता है। रिची वहां से अपने पुराने घर जाता है जहां उसे एनी मिलती है। एनी जिम को प्यार करती है और जिम के साथ बाहर जाना चाहती थी, पर जिम अकेला ही चला गया। इसके बाद हम रात में मक्के के खेतों में एक आदमी को देखते हैं जो एक कद्दू पर नाक और मुंह बना रहा है और उसे उस कद्दू को खेत के बीच टंगी ग्लास को पहनाते हुए देखते हैं। अगली सुबह रायली रिची पर हमला कर देता है। दरअसल रायली स्कूल में हुई मारपीट का बदला रिची से ले रहा है। रायली रिची को मारता है और रिची की बेल्ट छीन लेता है और फिर उसे और मारकर चला जाता है। रिची घर आता है और पोस्ट बॉक्स में जिम की चिट्ठी देखता है। जिम चिट्ठी में रिची को 18 साल का होने पर बधाई देता है और लिखता है कि वो इस साल गांव वापस नहीं आएगा, वो अभी दुनिया घूम रहा है। हालांकि दुनिया बिना गांव के, बिना परिवार के सूनी है। जिम लिखता है कि अगर उसे मौका मिलता तो वो गांव आकर एनी से शादी करता, मिल में काम करता और खुशी खुशी रहता। और जिम लिखता है कि रिची शिकार न खेले बल्कि मम्मी पापा के पास रहे, उनका ध्यान रखे। इस बात से रिची काफी गुस्सा हो जाता है और एक कार चुरा कर गांव से दूर भागने निकल जाता है। पर गांव से बाहर निकलते ही उसे पुलिस वाला मिल जाता है। रिची पुलिस वाले से बचकर भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाला रिची के सर पर डंडा मार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में लड़कों को उनके कमरे में बंद किया जा रहा है और अब सभी लड़के कमरों में बंद हैं। अब दिन बीत रहे हैं, अब लड़के भूख और प्यास से काफी उत्तेजित हो रहे हैं। उनके अंदर गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। हेलोवीन की रात हम एक आदमी को मक्के के खेतों में लटकी लाश की रस्सी काटते हुए देखते हैं और लाश के अंदर कैंडीज और चॉकलेट भरते हुए देखते हैं। इसके बाद साउथवुड जैक जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ गांव वाले भी अपने घर के लड़कों को 3 दिन बाद भूखा ही घर से निकाल देते हैं। गांव के सारे लड़के हथियार लेकर साउथवुड जैक का शिकार करने निकल पड़ते हैं। उसी तरफ रिची भी घर में बेहोशी से उठता है। उसके पापा बताते हैं कि रिची 3 दिन से बेहोशी की हालत में था। रिची के पापा ये भी बताते हैं कि उन्होंने रिची की जॉब की बात मिल में कर ली है, पर रिची शिकार पर जाने की बात करता है। रिची के पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर रिची उन्हें धक्का मार देता है। इसके बाद रिची की मॉम भी उसे रोकती है पर रिची उनसे अपना हाथ छुड़ाकर शिकार खेलने निकल जाता है। रिची अपने दोस्त जेम्स से मिलता है जो कि अपनी कार पर शिकार के लिए निकला है। इससे बाकी दूसरे लड़के भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि कार का इस्तेमाल नियम के खिलाफ है। गांव की ज्यादातर दुकानें आज रात बंद हैं और कुछ दुकानदार बंदूक लेकर दुकानों के बाहर खड़े हैं। रिची अपने दोस्तों के साथ साउथवुड को मारने के लिए मक्के के खेतों की तरफ जाता है। रास्ते में साउथवुड जैक उनकी गाड़ी से ही टकरा जाता है। वो सभी लोग साउथवुड को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं पर रास्ते पे साउथवुड नहीं था। उन चारों में से 3 खेतों की तरफ जाते हैं जबकि एक रोड पे ही रहता है और उसे साउथवुड खेतों में दिखता है। वो सभी साउथवुड का पीछा करने खेतों में दौड़ पड़ते हैं। साउथवुड उनमें से एक चार्ली को हवा में उछालकर मार देता है। बाकी बचे रिची और उसके दोस्त चार्ली की तरफ भागते हैं। जब वो तीनों भाग रहे होते हैं तभी साउथवुड जैक जेम्स का सर भी काट देता है। रिची अब खेत में रिची के सामने साउथवुड है। रिची डर कर खेत में भागता है जहां उसे प्रीच मिलती है जो खुद शिकार खेलने आई थी। तभी उन्हें वहां का तीसरा दोस्त बर्ड भी मिलता है पर बर्ड वहां से डरकर भाग जाता है। प्रीच रिची से साउथवुड के बारे में पूछती है। रिची बताता है कि साउथवुड असली है और उसे किसी बड़े हथियार से मारना ही ठीक होगा जैसे कि गन या कोई भाला, और ऐसा कहकर वो प्रीच के हाथ में घास साफ करने वाला औजार दे देता है। रिची पूछता है कि प्रीच शिकार में क्या कर रही है क्योंकि शिकार में लड़की अलाउड नहीं है। इस पर प्रीच बोलती है कि अलाउड तो रिची को भी नहीं है पर शिकार तो वो भी खेल रहा है।
इधर बट अकेला गांव में आ जाता है और घर आकर अपने मम्मी पापा से उसे अंदर लेने को कहता है। पर बट के मम्मी पापा बट को परिवार की इज्जत और पैसों के लिए बट को स्वातूत को मारने का बोलकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बट देखते हैं कि खिड़की पे खड़ा एक बच्चा उसे आवाज लगा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि वो भी बचपन में लगा रहा था। वो बच्चा आवाज लगाता है कि भागो बट, स्वातूत तुम्हारे पीछे है, और बट वहाँ से भाग जाता है। बट भाग कर एक तहखाने में जाता है और उसे अंदर लेने को कहता है। पर अंदर बैठा लड़का बोलता है कि अंदर आने के $200 लगते हैं। पर बट कहता है कि कल वो उन्हें $500 दे देगा, पर अभी उसे अंदर आने दे। पर वो पढ़ाकू लड़का दरवाजा नहीं खोलता। तब अंदर बैठे बाकी लड़के बोलते हैं कि उन्हें दरवाजा खोलना चाहिए और बर्ड की मदद करनी चाहिए, पर पढ़ाकू लड़का मना करता है। लेकिन बाकी सभी लोग उसे धक्का मारकर हटा देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलने पर सामने उन्हें सौथु जैक दिखता है, जो बर्ड का मुंह अपने हाथों से फाड़ देता है। इसके बाद सौथु जैक तहखाने में घुसकर बाकी सबको भी मार देता है और बच्चा ऊपर घर की खिड़की से सिर्फ देखता रह जाता है। रिची प्रीच के साथ मिलकर पुलिस वाले के घर में घुस जाता है और बंदूक चुरा लाता है। इसके बाद रिची पुलिस वाले की गाड़ी चुरा कर ले जाता है। गाड़ी के अंदर रेडियो पर रिची को सौथु जैक देखे जाने की खबर मिलती है। उधर हम देखते हैं कि गांव के लड़के अब दुकानों पर तोड़फोड़ करके खाने की चीजें चुरा रहे हैं। दुकान का मालिक लड़कों को रोकने के लिए उन पर फायरिंग करता है, लेकिन गांव के लड़के उस दुकानदार को जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ रायली रिची और प्रीच को पकड़ लेता है और प्रीच को पकड़ कर उस पर रेसिस बातें करता है। इस पर रिची रायली को मारता है और रायली से अपनी बेल्ट वापस ले लेता है। उधर गांव के बच्चे अब आपस में ही खून खराबा करने लगे हैं। कार में बैठा रिची प्रीच को बताते हैं कि हार्वेस्टर गिल्ड गांव में सब कुछ ऑन करता है, थिएटर, स्कूल, मिल, सब कुछ। कोई भी गिल्ड की इजाजत के बिना गांव से बाहर भी नहीं जा सकता। रिची ये भी बताते हैं कि गांव के लोगों के पास ज्यादा करने को कुछ नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि सब जिम को लेके बातें तो करते हैं, लेकिन जिम कहाँ है कोई भी नहीं जानता। सबको लगता है कि जिम हीरो है, पर वो हमारे जैसा है, एक नॉर्मल लड़का। रिची बताता है कि जिम उसका बहुत ध्यान रखता था। रिची वही पहनता था जो जिम को पसंद थी, जैसे कि वो बेल्ट, पर वो बदल गया है, शायद उसे मेरी याद भी नहीं आती। इस पर प्रीच बताती है कि उसके पापा इसी गांव से थे। वो हमेशा कहते थे कि गांव एक जेल है, वो यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ वो यहाँ से चले गए। फिर उनकी शादी हुई और मैं पैदा हो गई। पिछले साल कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और मैं यहाँ आ गई। इसके बाद कार में एक बार फिर सौथु जैक को गिल्ड क्लब के सामने देखे जाने की रिपोर्ट रेडियो पर आती है। इसके बाद रिची एंड प्रीच सौथु जैक को मारने के लिए क्लब पहुँचते हैं। रिची वहाँ खून से सने स्टैचू को देखता है, यानी सौथु ने यहाँ पहुँच कर सबको मार दिया था। रिची इसके बाद सौथु जैक को क्लब से बाहर आते हुए देखता है। तब रिची की नजर सौथु जैक की बेल्ट पर जाती है, जो ठीक वैसी बेल्ट थी जैसी कि रिची के पास थी। रिची ये देखकर समझ जाता है कि सौथु जैक कोई और नहीं बल्कि जिम है, इसलिए रिची सौथु जैक पर हमला नहीं करता। सौथु जैक भी रिची पर कोई हमला नहीं करता। तभी क्लब से एक आदमी बाहर आता है और रिची और प्रीच को वहाँ से जाने को बोलता है। कार में बैठकर प्रीच रिची से सौथु जैक पर हमला ना करने का कारण पूछती है। इससे पहले रिची कुछ बताता, तभी पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और रिची को गन पॉइंट पर ले लेता है। पर रिची प्रीच के साथ वहाँ से भाग जाता है और प्रीच को साथ लेकर घर आ जाता है। रिची अपनी मॉम से जिम से पहले के विनर के बारे में पूछता है। इधर सौथु जैक यानी जिम अपने पुराने घर जाता है और अपने कमरे में जाकर पुरानी बातें याद करता है। हम देखते हैं कि सौथु जैक अपने सर से आग निकालता है और पूरे घर को जला देता है। उधर रिची अपनी मॉम से बोलता है कि वो सच जान चुका है कि जिम के साथ क्या हुआ, उससे पहले जीतने वालों के साथ क्या हुआ। वो लेटर जिम नहीं बल्कि उसकी मॉम लिखती थी। रिची अपनी मॉम से पूरी सच्चाई पूछता है, पर मॉम जवाब ना देकर जान दे देती है। प्रीच रिची से गांव से भाग चलने को बोलती है, पर रिची बोलता है कि यहां से जाने से पहले उसे ये सब रोकना होगा ताकि फिर कोई और सौथु जैक ना बने। अब 12 बजने में 10 मिनट है, सब चर्च की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस वाला रायली को कार में बैठा लेता है और उसे गन देकर बोलता है कि इस साल सौथु जैक को रायली ही मारेगा। रिची सबसे पहले चर्च पहुंचता है। रिची चर्च के अंदर अपने पिता को देखता है और उन्हें बताता है कि वो सब जान चुका है कि सौथु जैक ही जिम है, और रिची अपने पिता को पैसों के लिए जिम की बलि देने के लिए कोसता है। इस पर रिची के डैड बताते हैं कि वो चर्च में जिम को मारने आए हैं ताकि अगले साल कोई और बच्चा बलि न चढ़े, और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जब जिम ने शिकार जीता तो वो बहुत खुश थे। फिर हमें गिल्ड वालों ने बुलाया और सब कुछ बताया और हमें चुप रहने को बोला ताकि गांव साल भर तूफान से सुरक्षित रहे, और अगर हमने कुछ बोला तो वो रिची को भी मार देते। रिची के डैड रिची को समझाते हैं कि वो शिकार से पीछे हट जाए,
और एक नॉर्मल लाइफ जिए, हम सब पहले के जैसे खुश रहेंगे। इस पर रिची बोलता है कि अब मॉम नहीं रही, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर रिची के डैड टूट जाते हैं। तभी 12 बजने की घंटी बजती है और रिची अपने पिता को चर्च में छोड़कर चर्च से बाहर निकलता है। रिची देखता है कि सौथु जैक भी वहाँ आ गया है। रिची उसकी तरफ बढ़ता है, तभी सौथु जैक के सर पे गोली लगती है। रिची सौथु जैक को पकड़कर चर्च की सीढ़ियों पर चढ़ाता है। प्रीचर दूसरी तरफ रायली को मारती है क्योंकि उसी ने ही गोली चलाई थी। पुलिस वाला रायली को उठाकर फिर से उसे बंदूक पकड़वाता है। अब वहाँ गांव के बाकी लोग भी आ चुके हैं। रायली एक और गोली सौथुत को मारता है जिससे सौथुत जैक गिर जाता है। रायली तीसरी गोली मारने वाला ही होता है, तभी रिची गन निकाल लेता है और रायली पर तान देता है। रिची की गोद में लेटा जिम रिची की गन को खुद के सर पे लगा लेता है और रिची रोते हुए जिम को गोली मार देता है। सभी लोग रिची की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। रिची के डैड चर्च से बाहर आकर देखते हैं कि रिची अब विनर है और वो निराशा में सर झुका लेते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि अब रिची के साथ क्या होगा। रिची की जीत की खुशी में पार्टी दी जाती है। यहाँ रिची प्रीच को क्रॉसिंग पर मिलने को बोलता है क्योंकि रिची प्रीच के साथ यहाँ से भागने वाला है। एक बार फिर रिची को वही चेक, नया घर, नई गाड़ी और दुनिया घूमने का मौका मिलता है जो अब तक सभी विनर्स को मिलता आया है। रिची चाबी लेकर कार की तरफ बढ़ता है। एनी रिची को भी खुद को साथ ले जाने को बोलती है, पर रिची भी जिम के जैसा एनी को इग्नोर कर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। प्रीच रिची के साथ कार में बैठ जाती है और वो दोनों कार से गांव के बाहर निकल जाते हैं। तभी पुलिस कार उनका पीछा करती है। प्रीच कार के अंदर छिप जाती है, पर रिची कार नहीं रोकता और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन तभी रास्ते में एक बड़ा ट्रक आ जाता है और रिची कार में ब्रेक लगा देता है। रिची कार से उतरता है। पुलिस वाला रिची को गन पॉइंट पर लेकर मक्के के खेतों में ले जाता है। चलो चलो। जहाँ सौथु जैक बनाया जाता है। अब पुलिस वाला रिची को गोली मारने वाला होता ही है कि तभी रिची गन निकाल कर पुलिस वाले को गोली मार देता है। रिची को लगता है कि सब खत्म हो गया, उसने सौथु जैक की गेम को खत्म कर दिया क्योंकि अब वो जिंदा पेज के साथ गांव से निकल जाएगा। तो जब कोई विनर ही नहीं होगा तब ना ही कोई सौथुत बनेगा और ना ही फिर अगले साल शिकार होगा और ना ही विनर बनेगा। इस तरह ये सौथु जैक की गेम खत्म हो जाएगी। रिची सब कुछ खोलने के गम में रो ही रहा होता है कि उसके सर पे एक जोरदार हमला होता है और हमें वही आदमी जो सौथु जैक का सर कद्दू से बनाता था और सौथु जैक के अंदर कैंडी भरता था दिखता है। वो आदमी रिची के ऊपर मिट्टी डालता है और रिची को जिंदा दफना देता है। यानी इतना कुछ करने के बाद भी रिची सौथु जैक की गेम को रोक नहीं पाया और खुद उसका शिकार बन बैठा। उधर गाड़ी में बैठी प्रीच ऊपर उठती है। वहाँ रिची के डैड आ जाते हैं और प्रीच को वहाँ से जाने को बोलते हैं। प्रीच रोते हुए गाड़ी को लेकर गाँव से दूर सुनसान रोड पर निकल जाती है। कुछ महीने बीत चुके हैं। टोपी वाला आदमी रिची की लाश को जमीन से निकालता है, उसके सर पे कद्दू लगाता है और उस लाश को खेत के बीच में टंगा छोड़ देता है और समय के साथ कद्दू सड़ सड़ कर लाश के साथ चिपक जाता है। हम देखते हैं एक साल बाद रिची के डैड रिची की लाश को उतार देते हैं। तभी वहाँ टोपी वाला आदमी आता है और रिची के डैड को रोकता है, लेकिन रिची के डैड उसके सर में चाकू मार कर उसे मार देते हैं। तभी रिची सौथु जैक बनकर उठता है। रिची के डैड सौथु जैक यानी रिची को सब कुछ जलाकर राख करने को बोलते हैं। जला के राख कर दो। और सौथु जैक ऊपर आसमान की तरफ देखता है और फिल्म खत्म हो जाती है।